अब ये देखेंगे इसका घूंघट हटा के कि ये ही असली दुल्हन है नहीं है। कोई बीमारी नहीं है, लड़की बोलती नहीं मुझे बीमारी नहीं है। फिर लड़के से पूछा जाता है, लड़के को बीमारी नहीं थी। फिर बोला जाता है कि हमारी लड़की को तुम एक्सेप्ट करते हो, वो बोलते हैं करते हैं। भाई जैसे हूँ समझ लो अपने इंडिया में गांव की शादी में अंग्रेज आ जाए, उसी तरह इनकी शादी में मान लो हम आए हुए थे। ये सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, उसके बाद में फिर लड़की फैमिली वाले बोलते हैं कि हमारी लड़की का ख्याल रखना, बोलते कि भी हम आपको डरा नहीं रहे, बस वॉर्न कर रहे हैं हमारी बेटी को पीटना मत, कोई भी बात हुई तो पहले हमसे बात करना। तो दुल्हन वाले वो जो आए थे ना, उन्हें इनफ पैसे नहीं मिले तो बोले हम वापस जा रहे हैं, हम नहीं उतार रहे। दोस्तों स्वागत है एक नए दिन से मोनरोविया द कैपिटल सिटी ऑफ लाइबेरिया से। फिलहाल आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एक यहाँ की लोकल लाइबेरियन वेडिंग में। जी हाँ, यहाँ का एक लोकल बंदा है, उसको मैं नहीं जानता लेकिन उसकी शादी में जाने लग रहा हूँ। कैसे जाने लग रहा हूँ, क्या जाने लग रहा हूँ भी बताता हूँ। दरअसल मेरा एक दोस्त है बेल्जियम से, वर्ल्ड ट्रैवलर है वो भी, इंस्टाग्राम पे हम कनेक्टेड थे और पता चला वो भी आज मोनरोविया में लाइबेरिया, और उसका जो होस्ट है उसकी आज शादी है। तो वो बोला कि भी तेरे को आना है तो आजा। मैं बोला हाँ भाई मज़ा आ जाएगा देखने में शादी में, तो लोकल तो उसकी शादी में जाने लग रहा हूँ। पीछे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में बैठ के निकलते हैं, आज आपको शादी दिखाता हूँ एक लाइबेरिया। अब हम आगे वेन्यू के नजदीक, नीचे गाड़ी उतारने लग रहे हैं शादी में जाने के लिए। उधर है भाई शादी, इस गली में जाना था। मैं बोरा होगा शायद अलग से बैठा, वो ही होगा, वो देख लिया उसने। आ गया भाई शादी में, ये आ गया मेरा दोस्त। भाई कितना रैंडम है ये सब यार। ये भाई पानी दे गया, हमारी फुल सेवा कर रहे हैं, बोल रहे थे उन्हें ये दो उन्हें दो, इनकी वीडियो बनाओ, हमारी वीडियो बनाने लग गए वहां सामने, जैसे पता नहीं कौन गेस्ट आ गया। भाई ये देखो सेरेमनी, अब ये लेडी आई है, इस लेडी को ना ये अंडरस्ट करके देखेंगे कि भाई ये ही ब्राइड है नहीं है। ये दूल्हा है, ग्रूम है, अभी हमसे मिलके गया था, इमैनुअल नाम है, इसी के पास मेरा दोस्त बाबकिन रुका है और इसी की शादी आज। ये देखो अब ये देखेंगे इसका घूंघट हटा के कि ये ही असली दुल्हन है नहीं है, ये इनका एक ट्रेडिशन था। ये देखो ये चेक करेंगे अभी सारे, ये जो औरत आई है इसके कपड़े टाई की भी यही दुल्हन है नहीं। कपड़े ही नहीं खत्म हो रहे, नहीं खत्म। भाई ये लोग इंग्लिश बोल रहे हैं पर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कितने कपड़े पहन रखे हैं, चादर ही नहीं खत्म हो रही। अब चेक करेंगे भाई कि ये है दुल्हन या कोई और है, ये फाइनल कपड़ा उतारते ही पता चल जाएगा कि यही दुल्हन है नहीं है। इनकी लड़ाई होगी ये रूस के आपस में, जिस तरह अपने नहीं रूस जाते जूता छुपाई और तरह तरीके से होती है। अब ये बोल रहे हैं कि भी चले जाओ वापिस, नहीं उतार रहे हम, पता नहीं क्या बात होगी।
कुछ रुस्सा मनाई होगी अब यहाँ पे। ये देखो इसने वीडियो वाडियो बंद कर दी, कैमरामैन को बोले कि भी बंद कर सब रख दे जाओ वापस। तो दुल्हन वाले वो जो आए थे ना उन्हें इनफ पैसे नहीं मिले तो बोले हम वापस जा रहे हैं, हम नहीं उतार रहे कपड़े, हम नहीं दिखा रहे कि भी दुल्हन ये है नहीं है। जिस तरह अपने नहीं रिबन कटाई होती है, रिबन कटाई में बोलते हैं पैसे दो घुसेंगे और पैसे दो, कभी जूते छुपा लिए जूते और पैसे दो रस्में होती है, उसी तरह कुछ इनकी भी रस्में है। तो वो एक टोकरी सी थी उसमें सबसे पैसे मांग रहे थे कि पैसे रखो और पैसे दो लड़के वाले है। पर मेरे ख्याल से जो पैसे उन्हें मिले उससे वो खुश नहीं थे तो वापस जाने लग रहे, लड़की वाले बोल रहे हम नहीं दिखा रहे शक्ल। ये जो आदमी है ये जो मेरी वीडियो बना रहे हैं ये यहाँ पे पास्टर है, जिस तरह अपने पंडित आते हैं ना जो फेरे फारे कराते हैं सारे। 85% पॉपुलेशन इनकी क्रिश्चियंस की है और ये भी एक क्रिश्चियन शादी ही है। वापस चली गई दुल्हन, अब ये पैसे मांग रहे भाई। ये फंस गया भाई बेचारा, कई बार दे ली इसने और भाई ये और पैसे ले गए और अब की बार शायद होपफुली असली ब्राइड आ जाए। अभी करें वापसी कह रहे $300 दो फिर हम बात करेंगे। डीजे को है Mr. Toe himself. Hey! इसको बोल रहे लापा और कह रहे एक लापा हटाने के $200 दो। $200 में मेरे को ही नहीं पता, यहाँ के लाइबेरियन डॉलर बोल रहे यूएस डॉलर, लाइबेरियन डॉलर बोल रहे तो ₹100 इंडिया के। और बोल रहे तीन लापा हटा देंगे उसके बाद बच्चे का चेहरा। कह रहे जो लास्ट लापा है चेहरा देखने के लिए वो दूल्हा हटाएगा लास्ट, यानी कि ग्रूम। ये चल रही है भाई दुल्हन की मुंह दिखाई सेरेमनी। ये भाई इनके कपड़े वगैरह जो शादी में अपने भी लेना देना होता है वो है। लड़की ने हाँ बोल दी, दोबारा पूछा था शादी करनी है तो लड़की ने हाँ बोल दी, सारे कुछ हो गए। अब लड़की के फादर कह रहे कि भी नहीं मैं नहीं कर रहा दोबारा पूछो। ये फादर है ये लड़की है। So if I get here, yeah, go, he get from home, all the dogs, and I say, he go to hospital here. Yeah. Should we hold them? Yes, yeah, she hold them. Wow! Oh, yeah. On behalf of the Sababu family, I believe you. Wow. Don't say you broke. We unite them all slay. I believe you. We unite them all slay. I believe you. Here comes the recommendation of our father. Receive them. May God bless you. तो भाई लड़की के बाप ने अभी ये जितने भी तोहफे वगैरह थे और पैसे थे ये एक्सेप्ट कर लिया और अब लड़की फाइनली
लड़के की हो जाएगी, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और ये तोहफे रिसीव कर लिए ऑफिशियली। All right, the father is saying as you come near in order to get volume. Before I present my daughter over to the people. I want to ask her. He wants to ask. Sarah? Yes. Calling the name of the lady in question. Sarah. Those who are at the bridal party, please pay his attention. Ask my daughter. He has asked. Wearing your body. The daughter, she says she's okay, she's not sick. No sickness. No part nothing. Of body hurting. Nothing is hurting. She's so, helping. Mr. Toe, I think you're listening to my daughter. You came to look for and you are. So he's about to present his daughter and say, my daughter, nothing happened to her. I am about to present her over to you. Nothing should happen to her in any way. So are you satisfied that this guy doesn't have any problem? Yes, I am satisfied. No beauty mark, her feet, her, everything is correct, her eyes, everything is okay. Mm-hmm. I am pleased with her. Mm-hmm. No scratch mark, in fact. So the other family just disbanded. Nothing happened to her, everything is okay. So they are happy. They are standing by to receive. Presenting Sarah Heenan to the family of Mr. Toe. That's the person you are seeing right now. अभी भाई लड़की के फादर ने पूछा कि भाई तुम्हें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, लड़के को तो नहीं है, दोनों स्ट्रॉन्ग होना फिजिकली या कोई दिक्कत तो नहीं। फिर लड़की बोलती है नहीं कोई बीमारी नहीं है। फिर अब लड़के की फैमिली वालों में जो लेडी है, ये लेडी इन्हें एक्सेप्ट कर लेती है, बोलती है कि भाई इसके पैर आँख सारी चीजें बिल्कुल सही है और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही, और हम खुशी खुशी लड़की को एक्सेप्ट करते हैं। अब एक्सेप्ट कर लिया और अब ये दूल्हे के पास लेके जा रहे हैं। God that has to do it at the 13th and follow. Matai, there's something to you in the future for whatever reason. Please look at this man. Referee, this man that I'm showing you. Don't beat on her. Don't harm her. Let's go here. ये कह रहे कल को कोई भी गलती होती है हमारी तरफ से, Fortunately, the man they are introducing is a lawyer. The man is a lawyer. So you're standing better. Not that we are scaring you or intimidating you, but you also standing better chance. If you have problem, he can also shadow you. All right. भाई ये कह रहे थे कल को कोई भी दिक्कत होती है तुम्हारी बेटी को पीटना मत, कोई भी बात होती है तो इन आदमी को बताना, ये आदमी हमारे परिवार में लॉयर है और हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन बस वॉर्न कर रहे हैं। अपने दूल्हे दुल्हन की सीट पे जा रहे हैं, जिस तरह अपने इंडिया में नहीं होता, सेम वैसे ही सोफा सा जता दिया, आगे एक टेबल फूल फाल धर दिए। ओ बेटे ये देखो सारे इकट्ठे हो गए भाई, सिटी मारना मन कर कैमरा तो। तो भाई ये थी इनकी शादी, चलने ही लग रही है अलग ही, पर मेन जितने भी ट्रेडिशंस थे सेरेमनीज थी वो होगी। अब दूल्हा दुल्हन जाके कुर्सी बैठ के सारे लोग फोटोज खिंचा रहे हैं, जिनको जो भी गिफ्ट्स वगैरह देने थे लोगों ने दे दिए। मैं कंफ्यूज था भाई, मैं दूल्हे को गिफ्ट दूं या दुल्हन को दूं, तो पता चला कि दूल्हे को ही देना है, हम लड़के की तरफ से आए हैं, तो दूल्हे को मैंने $20 दे दिए। काफ़ी रस्में अपने से सिमिलर थी, काफ़ी ट्रेडिशन सिमिलर थे, वो मुंह दिखाई वाला आपने देखा पार्ट, और उसके अलावा फिर बाद में जो लड़की के फादर या फैमिली के हेड थे शायद एक, वो बाद में उन्हें यूँ कह रहे थे कि भाई आप हमारी बेटी को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते। कुछ चीज़ें नई भी थी, वो बोल रहे थे कि भाई कोई बीमारी नहीं है, लड़की बोलती है नहीं मुझे बीमारी नहीं है। फिर लड़के से पूछा जाता है, लड़के को बीमारी नहीं थी, फिर बोला जाता है कि हमारी लड़की को तुम एक्सेप्ट करते हो, वो बोलते हैं हाँ करते हैं, वो बोलते हैं हम तुम्हारे गिफ्ट्स एक्सेप्ट करते हैं और अपनी लड़की तुम्हें देने को तैयार होते हैं, ये सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। उसके बाद में फिर लड़की की फैमिली वाले बोलते हैं कि हमारी लड़की का ख्याल रखना और कोई भी दिक्कत हो तो उसे पीटना मत, अगर कोई परेशानी होती है तो हमारी फैमिली के इन मेंबर को बताना। एक मेंबर को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा जो कि एक लॉयर है शायद, बोलते कि भाई हम आपको डरा नहीं रहे, बस वॉर्न कर रहे हैं हमारी बेटी को पीटना मत, कोई भी बात हुई तो पहले हमसे बात करना। तो ये पूरी कहानी सी थी, और शायद मेरे को जैसा बताया गया इनके ऑलरेडी 2 बच्चे भी है और शादी शायद ही अब कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से ग्रूम के पहले भी 2 बच्चे हैं, और शायद जो
ब्राइड है उनके भी कुछ है, ऐसा कुछ है कंफ्यूजिंग सा है, तो मैं बोलना नहीं चाह रहा कहीं गलत ना निकल जाए कुछ, पर ऐसा है कि इनके बच्चे हैं साथ में, पता नहीं पिछले पार्टनर से कुछ ऐसे, पर अब इन दोनों की ऑफिशियली साथ में शादी होगी और अपन अब यहाँ से निकलते हैं, पहुँचते हैं और मोनरोविया एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा अपने पास है नहीं, कल संडे का दिन है, संडे को सारी चीज़ें बंद होती है भाई। जैसे वो समझ लो अपने इंडिया में गाँव की शादी में अंग्रेज आ जाए, उसी तरह इनकी शादी में मान लो हम आए हुए थे, सारे लोग इतने ही हो रखे थे कि भाई कौन आ गया, सारी अटेंशन देने लग रहे, सब देखने लग रहे भाई लड़के के दोस्त है अपने भी, जैसे कोई गांव में शादी में नंबर नहीं बन जाते किसी के, अंग्रेज दोस्त आ जाए छोटी शादी में, उसी तरह आज यहाँ रखा था। पर इंडिया में जैसे अपने होते हैं कि लड़की वाले दहेज देते हैं शादी के टाइम, यहाँ उल्टा होता है, ग्रूम की फैमिली गिफ्ट्स और पैसे देते हैं लड़की की फैमिली को, जैसा आपने देखा उन्होंने गिफ्ट्स रिसीव करे एक्सेप्ट करा, उसके बाद फिर होगा कि शादी की बाकी सारी सेरेमनीज प्रोसीड होगी, पर अपनी तरह नहीं है, लड़की की फैमिलीज नहीं देती यूजुअली, यहाँ लड़कों की फैमिलीज लड़की की फैमिली को देते हैं।